वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन है। आई डोंट नो, मुझे फ्लू फील हो रहा है और इस तरह से बस ना, और आज उस तरह से वो एनर्जी नहीं है कि मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन करूँ बहुत ज़्यादा। बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जितना भी पॉसिबल हो सके मैं अच्छे से इफ्तारी बनाऊँ। ऑब्वियसली आई विल मेक अ गुड इफ्तारी, बिकॉज खाना मैं हमेशा डेडिकेशन से बनाती हूँ। सो ये है कि अब देखते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनता है। एज सच मेन्यू मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन अब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि इंशाल्लाह जो बन गया, लेट्स सी। तो मैंने सोचा है कि आज इफ्तार के लिए, रोज़ मैं जामा शरी बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि आज मैं ना स्ट्रॉबेरी का जूस बनाती हूँ। तो मैं बनाने लगी उसके लिए स्ट्रॉबेरी का जूस, और स्ट्रॉबेरीज जो है वो मैंने सारी काट के धो के रख ली हैं, ठीक है जी। और अब हम इसका जूस बनाते हैं। अपने लिए मैं निकाल लूँगी चीनी के बगैर, बिकॉज आई डोंट लाइक मीठा दैट मच इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। और प्लस अभी ये है कि अभी मुझे मीठा थोड़ा अवॉइड भी करना है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। ये ज़्यादा वैसे मेन वजह है, बिकॉज अदरवाइज आई जस्ट लव ब्राउनीज, यू नो। मुझे हलवे वगैरह नहीं पसंद, बट ब्राउनीज आर समथिंग दैट आई जस्ट लव। सो अभी ये है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन आई वॉन्ट टू बी हैविंग शुगर इन माई जूस। सो बाकी सबका बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ और बाकी सबके लिए मैं क्या बना रही हूँ। ये मैंने डाली है इसमें स्ट्रॉबेरीज। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, और फिर बाद में अब मैं देखती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, उसको ब्लेंड करते जाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। जी तो अब ये विदाउट शुगर मैंने अपने लिए निकाल लिया है और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे एंड देन ब्लेंड। ये अपने लिए मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रॉबेरीज कट की हैं और मैंने दही में डाली है, और मैं इफ्तार में ये लूँगी। थोड़ी सी हम स्ट्रॉबेरीज और काट लेते हैं और इसमें डालते हैं। जी तो ये देखिए, ये है स्लाइसर, और इस स्लाइसर से मैंने ये आलू कट किए हैं। इससे आप जितना बारीक चाहें, जितना मोटा चाहें, आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ बन रही है मेरी चिप्स बन रही है, और यहाँ पे जो है अगेन मैं पनीर डोनट्स बना रही हूँ, और मैंने बना लिया एक रह गया था, ये मैंने कहीं भी बना लूँ मैं। जी तो आप सब बताएं, आप सबकी इफ्तारी कैसी जा रही है? मेरी आपके सामने है जो मैं बना रही हूँ, और अब बस टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट 15 मिनट रह गए हैं, और बस अब देखिए जल्दी से, ये देखिए जी मेरी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, और बस अब जल्दी से वेट है कि जल्दी से रोज़ा इफ्तार हो जाए, और उसके बाद जो है ना वो आई हैव टी, आई जस्ट लव टी।